What's up everyone, my name is Hugzy and you are tuned to my channel Hugzy Vlogs Jani. तो आज का ये व्लॉग उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल है Jani के जो व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं या जो व्लॉगिंग करने का सोच रहे हैं या फिर उनके पास कोई अच्छा इक्विपमेंट नहीं है तो वो फोन से कैसे व्लॉग शूट कर सकते हैं. सो आज का जो मेरा व्लॉग है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है. पहला, हाउ टू स्टार्ट व्लॉगिंग विद योर फोन, और दूसरा, क्या व्लॉगिंग 2023 में स्टिल रेलेवेंट है या फिर आउटडेटेड हो चुकी है. सो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, और आज जितना भी मैं शूट करूँगा अपने इस आईफोन से शूट करूँगा. तो स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा सेटिंग से. तो आप लोग पहले वो देखो, मैं ज़रा वापस आता हूँ. जब आप कैमरा सेटिंग्स ओपन करेंगे तो सबसे पहले है फॉर्मेट्स. फॉर्मेट्स में जाने के बाद आप लोगों ने हमेशा हाई एफिशिएंसी पे कैमरा. सो जो दूसरी मेन सेटिंग्स है वो है रिकॉर्ड वीडियो की 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड. अगर आपके पास स्लो मोशन है तो यहाँ पे आपको 1080p HD. तो इसके साथ साथ हमारे पास एक और मोड है रिकॉर्डिंग सिनेमैटिक्स, तो यहाँ पे हमें 4K 30 फ्रेम्स पर सेकेंड देता है. जानी तो आखिरकार 2.5 months बाद दोबारा से मैं आ गया यूनिवर्सिटी में. आज मेरी क्लास कोई नहीं है, वादा भी मुझे काम है डिपार्टमेंट में और मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है 1 week के बाद. बट अभी चलते हैं डिपार्टमेंट, और जो गर्मी है ना वो 104 फारेनहाइट हो रही है. वो आप लोग देख रहे हो वो बड़ा सा लंबा सा बिल्डिंग है, वो मेरा डिपार्टमेंट. Let's go inside. What's up, guys? Hello. जानी देखो, विदाउट परमिशन तो मैं किसी की वीडियो बना नहीं सकता, इसलिए मैंने अंदर नहीं बनाई. तो अभी एडवाइज़र से मेरा काम है, वो आती हैं या आते हैं, तो उनके साथ अभी अंदर जाना है और जो चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है वो करेंगे, और उसके बाद फिर अगला सीन मैं आपको वो बताता हूँ. ये वो कॉरिडोर है जब क्लासेस ऑन होती थी तो मैं यहाँ आके बैठा करता था, चिल आउट किया करता था. जानी मुझे पता है कि सिक्योरिटी साइड है मेरे, बट द थिंग इज दैट कि काम जो है वो 50% कम्प्लीट हो चुका है, 50% रहता है. सो अभी इस गर्मी में खड़े होने का कोई मकसद नहीं है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्दी गाड़ी में जाना है और फिर यहाँ से निकलना है कहीं ना कहीं. तो चलते हैं. तो यार वहाँ से हम लोग फ्री हुए हैं, और अभी हम लोग चलते हैं ज़रा 5 oil चेंज पे, क्योंकि मैंने इस गाड़ी का टॉप अप करवाना है. अभी ज़रा हम लोग पहुँच आए हैं 82nd पे, तो चलते हैं आप आगे. हाँ जी, तो शर्ट चेंज होगी बाद में. मैं घर गया, चेंज किया, और उसके बाद आया हूँ हेयर कट करवाने. मैंने सोचा क्यों ना स्नैन भाई से स्नैन बॉय बना जाए. हाँ जी, तो अभी जरा अंदर चलते हैं, जाके हेयर कट करवा लेते हैं. यार इतना टाइम हो गया हेयर कट नहीं करवाई और बुरा लग रहा है भाई. तो अभी जरा अंदर चलते हैं. Let's go at locker room. जानी
हाँ जी भाई, अब एक बार फिर से मैं आया हूँ होटल शूट पे और अभी अंदर जाते हैं और जाके शूट करते हैं। 104 फ़ारेनहाइट हो रहा है वहाँ पे और खड़े नहीं होने हो रहा, तो ज़रा आप अंदर चलते हैं और शूट अपना स्टार्ट करते हैं। जानी तो मैं आया हूँ एड आर्टो जोन पे और जरा ओह माय गॉड ये तो चेक करो आप, ओह क्या जालम थी। जरा अंदर चलते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे एक काम है। मैं देख रहा हूँ तो ये फोन के साथ में सबको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ जी, जानी तो मैं अंदर शूट कर नहीं सका ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन, वो मुझे अलाउ भी नहीं कर रहे थे कि जाने के अंदर आप शूट करें, इसलिए मैंने बाहर से ही बंद कर दिया था। और तो अभी मैं आगे कहाँ जा रहा हूँ वो आप लोग जानी। तो मैं घर गया, उसके बाद रेस्ट किया और अभी शाम को निकला। सबसे पहले तो मैं अपनी शहजादी को मैंने शावर दिलवाना है, वो शावर दिलवाने के बाद चलते हैं आगे और जाके ना ड्रोन शॉट्स पर आते हैं। हाँ जी, क्योंकि मुझे बहुत जोर का ड्रोन शॉट्स आए हुए हैं, तो अभी ये काम पहले कंप्लीट करते हैं। यानी तो क्रूज करते करते हम पहुंच आए हैं लवर की एक अनडिस्कवर्ड लेक पे। अनडिस्कवर्ड इसलिए कह रहा हूँ जाने क्योंकि बहुत लोगों को इसका नहीं पता, बल्कि ज़्यादातर लोगों को इसका नहीं पता। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और बनाते हैं कुछ ड्रोन शॉट्स। यार यहाँ के ड्रोन शॉट्स मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। अभी ड्रोन शॉट्स बनाते हैं और फिर अगला सीन बनाते हैं। हाँ जी, सो लेट्स गो। अभी हम लोगों को यहाँ पे करना है पार्क और आपके सामने ये ब्यूटीफुल लेक। अभी यहाँ स्नैन भाई ऊपर से आएंगे। हाँ जी, आप लोगों ने ड्रोन शॉट्स तो देख लिए हैं, बट मैं भी चलता हूँ मैकेंजी पार्क की तरफ और वहां जाके आप लोगों के साथ ऐसे फेस टू फेस इंटरेक्ट करता हूँ। और जो सेकंड पार्ट था वीडियो का वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जानी कहा तो मैंने मैकेंजी पार्क का था, बट मैं वहां गया नहीं क्योंकि मेरे गाड़ी के जो टायर थे वो डाउन हो गए थे। इसलिए मैंने सोचा जानी अगर वहां गया तो ये ना हो कि मुझे फिर गाड़ी टो करके वापस घर लानी पड़े, तो इसलिए मैं घर चला गया था वॉलमार्ट अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाने। तो अभी ये जो फ्रंट टायर है ये भी ख़त्म हो गया बिल्कुल लाइक ड्रिफ्ट कर करके। और अगर दूसरा टायर को देखें तो जानी ये ना लास्ट टाइम जब मैं डालस जा रहा था तो इसमें कील गई थी और ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। चेक करें बिल्कुल गाड़ी घुमा घुमा के और ये बहुत डाउन है। तो अभी जाते हैं और ये जाके चेंज करते हैं। हाँ जी, ये दोनों देखो मैंने कीज़ तो दे दी हैं और पानी हाथ में है क्योंकि जानी गाड़ी उनके पास है। बट एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सिंजिल भाई आप कहते थे ना कि यार आपकी गाड़ी बहुत साफ रहती है, आप चुकते करो, ये सारे जो है ना ये सब कुछ ये सिर्फ कार क्लीनिंग की चीज़ें हैं। अब फिर भी गाड़ी साफ ना हो तो भाई मतलब मैं ही आलसी हूँ ना। आप चेक करो, मैं एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, मुझे अगर मिल जाती है गाड़ी की, मैंने पूछा तो है कह रहे हैं कि किधर ही कहीं है, तो मैं वो ढूंढ रहा हूँ कब से। गाड़ी आ गई अब बाहर, वो आप देख सकते हैं और अभी ये टेस्ट ड्राइव करेंगे और उसके बाद फिर मैं अंदर आइए मुझे मिलेगी अब। सो वो जा रही है अब टेस्ट ड्राइव को। ओह माय गॉड, आवाज़ सुन रहे हो? जा के वापस जाने जॉन जॉन, दैट्स माय बेबी, दैट्स माय बेबी। अभी तो आखिरकार 4 घंटे के बाद इन्होंने मुझे टायर लगा के दिया और ये थोड़े से गंदे हो गए हैं, तो अभी ये कल कार वॉश करूँगा तो ये साफ़ हो जाएंगे। बाय द वे दिस वाज सो गुड। ऑलमोस्ट जब से गाड़ी ली थी उस वक्त से फ्रंट टायर मैंने चेंज नहीं करवाए थे, सिर्फ ये टायर चेंज करवाए थे,
जो कि आई थिंक सो 6 months से इनको भी हो चुके हैं। अब आएगा ड्रिफ्ट का मजा। So, जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि 2023 में भी ब्लॉगिंग रेलेवेंट है, सो यस रेलेवेंट है। अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियोस उड़ा के देख लें जानी तो व्यूज आप लोग देख लें और उसके साथ साथ लोगों के रिव्यूज उन ब्लॉग्स पे देख लें जानी, तो मैं इस बेस पे कह सकता हूँ यार कि रेलेवेंट है। तो सबसे पहले आप अपने आप को डिस्कवर कीजिए जानी कि आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप लोगों को ब्लॉगिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो कैमरा उठाएं और ब्लॉग शूट कर लें। और हाँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब कर सकते हो। सो अपना फोन का कैमरा ऑन करो और स्टार्ट कर दो रिकॉर्ड करना जो आपके माइंड में है। शुरू में आपको बेसिक एडिटिंग की जरूरत है और वो एडिटिंग करके आप अपलोड कर सकते हो अपने यूट्यूब पे और सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो जाने कमेंट्स बॉक्स में नीचे मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लो। अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं किया जानी, मैं कहता तो नहीं हूँ बट सब्सक्राइब कर लेना। और आज के लिए बस इतना ही है, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो आज का व्लॉग मेरा जाने के आप अपने फोन से